नमस्ते बहन और भाइयों, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का हेल्थ और वेल्थ से संबंधित लाइफ एनहांसिंग शो में विद वर्ल्ड रिनाउंड डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स ट्रेडर ट्रेनर एंड मेंटोर अवधूत साठे। यस, नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर त्रिपाठी लोगों की बिगड़ी हेल्थ स्टोरी संवारते हैं और श्री अवधूत साठे हम सबकी वेल्थ स्टोरी को और बढ़िया बनाने के तरीके सिखाते हैं। इन दिनों का ना मकसद एक है और इन दिनों का संकल्प भी एक है, चाहे कुछ हो जाए बस काम करते जाना है। इस देश का कर्ज है हम पर नया भारत बनाना है। वेलकम डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी, वेलकम श्री अवधूत साठे। थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, फिर से एक बार। यस, ये एपिसोड 2 है फिर एक बार, और पहला शो जो आस्था के चैनल पे तकरीबन लाख लोग, नियरली नो मोर देन 70-80,000 लोग अब तक देख चुके हैं। वाओ, वो लाख भी क्रॉस करेंगे। अब्दुल सर, वंडरफुल आइडिया एंड कॉन्सेप्ट अबाउट दिस प्रोग्राम, जो लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यस यस वेरी मच, मुझे भी बहुत फीडबैक्स आए, स्टूडेंट्स ने भी फीडबैक दिए, और ऐसे बहुत कॉमन लोग मिले जो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं और जिन्होंने FFD प्रोग्राम भी फॉलो किया है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आए, तो बहुत बढ़िया लगा है देख के। और बहुत सारे कमेंट्स भी मैं देखा, मैंने खुद ने भी वीडियो देखा यूट्यूब लाइव बांधने होने के बाद, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, लाइव में भी कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज डॉक्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, ये बहुत ही अच्छा सहयोग है और आज का दिन भी बहुत खास है, तो लोग बिल्कुल राह देखते होंगे कि आज क्या माल मिलने वाला है, आज क्या खुराक मिलेगी दिमाग को दिल को। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की, और ऋषिकेश जी आपके स्टाइल में जो भी है प्लीज आप लेके जाइए आगे आपका स्पेशल। बिल्कुल अवधूत सर, हम हमारे सारे श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हैं, और ये हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। यस, और ये हकीकत बताते हैं कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। एब्सोल्युटली, तो इस शिक्षा से शुरुआत करते हैं। और अब्दुल सर, एक सवाल आता है आपके लिए जो बहुत लोगों ने पर्सनली पूछा है कि वेल्थ क्रिएशन तो करना है, आगे बढ़ना है, पैसों को बढ़ाना है, पर क्या करना है? तो अगर आप रोशनी डालें, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, हमेशा यही सवाल रहता है कि मैं क्या करूं, मुझे वेल्थ बनानी है या हेल्थ बनानी है तो क्या करें। तो प्रमोद जी, मैं हमेशा सोचता हूं कि क्या करना है, ये सोचने से पहले हमें पहले यह सोचना है कि क्या नहीं करना है। सही बात, बिल्कुल क्या सही नहीं बात। करना है तो देखिए, जैसे हेल्थ इशू तो किसी को होता नहीं, जन्म से तो हम मस्त हेल्दी होते हैं, एंड देन यू नो बिकॉज ऑफ आवर आदतें, हम बिगड़ी हुई आदतों से की वजह से कुछ सिचुएशन में आ जाते हैं। वैसे ही फिनेंशियल मैटर्स, यू नो फिनेंशियल डिबेगल्स शुरू से नहीं होता, लेकिन फिनेंशियल डिबेगल आ सकता है, तो वो ना हो उसके लिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर तो मैं यहाँ पे ऐसे सोचूंगा कि यहाँ पे दो प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं जिनको वेल्थ बिल्डिंग करनी है। तो इफ आई जस्ट टेक इट फ्रॉम द लास्ट पॉइंट कि अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है और 2022 में आपको शुरू करना है, तो 33% आपका जो भी कैपिटल है उसका 33% का प्रोविजनिंग कीजिए एंड देन यू स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करना है तो उसके पहले क्या नहीं करना है मैं कहना चाहूंगा, जो फ्रेशर्स है जिन्होंने कभी भी फाइनेंशियल मार्केट्स की ओर कभी देखा ही नहीं, स्टॉक मार्केट्स जिनको कुछ भी नहीं आता है, जो ABCD भी जान नहीं जाते, उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा। और जो ऐसे व्यक्ति है जो कंटिन्यूसली लॉसेस कर रहे हैं, ऑलरेडी इन मार्केट्स है और ट्रेडिंग कर रहे हैं बहुत सालों से, तो उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा। और प्रमोद जी, आपके लिए आपके पास भी बहुत सारे ऐसे तरीके होंगे और कुछ टिप्स होंगी लोगों को देने के लिए कि क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल 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 राइट, वो एक अच्छी बात रहेगी कि क्या नहीं करना चाहिए, एक बार पता चल गया तो फिर क्या करना चाहिए उस ओर से, उस ओर बड़े जोश के साथ वो आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मुझे कहा गया है कि यू नो ये थोड़ा टाइम इज लिमिटेड, सो वी विल जस्ट फोकस ऑन यू नो व्हाट इज नॉट टू बी डन एंड प्रोबब्ली वी विल टॉक अबाउट अ रोड मैप इन द नेक्स्ट एपिसोड, प्रॉपर रोड मैप टू अ लॉन्ग टर्म रोड मैप, अ लॉन्ग टर्म पाथ फॉर अ प्रॉपर ग्लोरी इन लाइफ। राइट, तो जो फ्रेशर्स है जिन्होंने कभी
फिनेंशियल मार्केट्स की ओर देखा भी नहीं, यू नो, उनको तो सबसे पहले एजुकेशन, बिना एजुकेशन के कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है बिना एजुकेशन के, और एक्सपेक्टेशंस को कम रखना है. यू नो देयर इज ऑलवेज अ बिगिनर्स लक, हम शुरू करते हैं और लॉटरी लग जाती है, जैसे अरे ये तो मस्त हो गया, और फिर अलग अलग गलतियां करना शुरू कर देते थे. सो नंबर वन, डोंट हैव हाई एक्सपेक्टेशंस. यू नो बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, हर इनिंग में सेंचुरी नहीं बनेगी, और शॉक्स और जर्क्स को अवॉइड करो. ओके, शॉक्स और जर्क्स को अवॉइड करो, इसका मतलब क्या है? कभी भी ओवर एक्सपोजर या ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करना. आपको एक्सपेक्टेशंस को कम रखना है और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ओर अपना लक्ष्य होना चाहिए. क्या हमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, मार्केट को समझना है, और उस अपना कॉन्फिडेंस हमारी खुद की पद्धति पे ला लेके आना है. अनदर थिंग आई वुड लाइक टू से इज डोंट फॉलो एनी न्यूज और टिप्स, क्योंकि ऐसे होता है कि यू नो चलो टीवी लगा दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, ये बाय करो, इधर स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, एंड देन लोग स्टार्ट कॉपिंग. सो डोंट फॉलो एनीथिंग, डेवलप अ स्किल विद इन यूर सेल्फ टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट. तो उस हिसाब से हमें देखना है कि ना अपॉर्चुनिटीज है तो उसको क्या करना है, कैसे देखना है, राइट? सो डोंट फॉल फॉर न्यूज एंड टिप्स. और सबसे इंपॉर्टेंट, आजकल बहुत सारे ऐप्स आने लगे, बहुत सारे ऐप्स आ रहे. कुछ भी आप मोबाइल फोन ओपन कीजिए तो आपको एक ऐप पॉपअप हो जाएगा, बोलेंगे कि अरे आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग चालू कर दीजिए. बहुत आसान है, इतना आसान भी नहीं है. अगर कोई ऐप डाउनलोड करने से पैसा कमा सकता है तो ये ऐप बेचने वाले ऐप्स बेचेंगे नहीं, खुद पैसा कमा लेंगे. सो दिस इज वेरी स्मॉल टिप्स फॉर दोज यू नो हु आर बिगिनर्स. डोंट फॉल फॉर एनी टिप्स, डोंट फॉलो न्यूज, कीप लो एक्सपेक्टेशंस, यू नो फोकस ऑन बिल्डिंग प्रॉपर स्किल, एंड डोंट यू नो फॉल फॉर एनी ऐप्स एंड एडवाइजरी, फ्री एडवाइजरी स्पेशली. वंडरफुल सर, आई थिंक ऑडियंस इज नोटिंग डाउन दिस पॉइंट्स, क्योंकि बाद में जब इस पे चिंतन और मनन करेंगे ना तो एक बड़ा राजमार्ग खुलते हुए दिखेगा. डॉक्टर साहब क्या नहीं करना चाहिए? मैं भी नोट कर रहा था वैसे. मेरे पास एक शब्द है जो हमारे एक टीचर ने बहुत अच्छे से अंतर मन तक उतार दिया था, और सबको सुन के वो शब्द भी अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा. और वो शब्द है प्रज्ञा अपराध. प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञा अपराध. आप बोलेंगे बहुत भारी भरकम शब्द आपने फेंक दिया, इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सरल है. प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान. अपना शरीर जो है वो दर्शाता है, वो बताता है, वो फीडबैक देता है कंटिन्यूअसली. वो बताता है कितना खाया, ज्यादा खाया, कम खाया, हाँ कितना देर सोया, कम सोया, ज्यादा सोया. वो गर्दन में पेन लाता है, वो कमर में दर्द लाता है, वो हार्ट अटैक भी लाता है, और वो डायबिटीज भी लाता है. हमारी इच्छा ये है कि क्या नहीं करना चाहिए. मतलब जब भी आपकी प्रज्ञा, मतलब आपका शरीर, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रज्ञा मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान, आपका शरीर आपको कुछ फीडबैक दे रहा है, और अगर आप उस शरीर का सुन नहीं रहे हो तो वो कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए. कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम उसको छोटी मोटी बोल के छोड़ देना नहीं चाहिए. जो शरीर में आ रही है, सरदर्द हो रहा है, देखना है क्यों हो रहा है, एसिड क्यों बढ़ रहा है. क्योंकि जितना लेट सोएगा आदमी, जितना लेट उठेगा, अपने आप शरीर में एसिड बढ़ेगा. उसकी प्रज्ञा, उसका शरीर बताएगा अरे 1 बजे सो, 9 बजे उठो, 8 घंटा सोयो, फिर भी थका थका सा, आंखें गर्म, शरीर में गर्मी, और वही 10 बजे सो, 6 बजे उठो, 8 घंटे ही सोए हैं लेकिन एनर्जी बहुत अलग है. तो लाइफस्टाइल की बात कर लीजिए, खाने की बात कर लीजिए, एक्सरसाइज की बात कर लीजिए. ओवर एक्सरसाइज से भी लोगों को हार्ट अटैक आए हैं. अभी हाल ही में कुछ बॉलीवुड टॉलीवुड स्टार्स को आए हुए हैं. एक्सेस एक्सरसाइज कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम. तो शरीर का सुन नहीं रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है जो हमें नहीं करना चाहिए. प्रज्ञा अपराध नहीं करना चाहिए. आप अपराध कर रहे हो, हम खुद ही खुद के शरीर पे और मन पे अपराध कर रहे हैं.
आंखें दुख रही फिर भी स्क्रीन नहीं छूट रही है, अपराध है। ओके, पेट भरा हुआ है फिर भी ठूस ठूस के खा रहा है, अपराध है। सो इच्छा यही है कि प्लीज प्रज्ञा अपराध मत करो। इतना अच्छा क्या बात है, भगवान ने बोलिए, नेचर ने बोलिए, ऐसा कुछ दिया है कि अद्भुत है, वो अद्भुत चीज है। उसका उसकी उसकी सुनो, उसकी उसकी नहीं सुनोगे तो रिपोर्ट मिलेगा। हाँ, पहले पहले थोड़ा सा धक्का मिलता है, रिपोर्ट आता है 7 HbA1c 10 HbA1c, फिर नहीं सुना तो फिर बॉक्स मिलता है पीछे से। हाँ, पहला मिस्टेक किया रिपोर्ट, दूसरा मिस्टेक किया बॉक्स, बॉक्स मतलब हार्ट अटैक। लोग बोलते हैं हार्ट अटैक आया, बहुत बुरा हुआ। मतलब कहाँ बुरा हुआ, अच्छा हुआ यार, ट्रेलर मिला, मरने का ट्रेलर मिल गया, अभी तो सुधर जा, अभी तो सुधर जा, वरना टिकट मिल जाएगा ऊपर वाला। कितना क्लियर है, सिस्टम फीडबैक से बना हुआ है। अपराध मत कीजिए, अपनी प्रज्ञा का सुनिए और देखिए, करने लायक तो बहुत सारी चीज है, बस पहला ये शब्द आपके कानों से, आपके जहन के अंदर उतार लीजिए कि आज से मैं प्रज्ञा अपराध नहीं करूंगा, शरीर मेरा कुछ बोल रहा है तो उसका सुनूंगा। बहुत बढ़िया बात है डॉक्टर प्रमोद जी, बहुत बढ़िया बात है। ये जो शॉक्स और जर्क्स की बात कर रहे थे, जब हार्ट अटैक हो जाता है वो शॉक मिल जाता है, और शॉक आने के बाद अरे मैंने क्या गलती की, अभी स्मोकिंग छोड़ूंगा। फिर कई लोग है हार्ट अटैक आने के बाद फिर स्मोकिंग छोड़ रहे हैं, पर्सनली जानता हूं। और क्या नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट बेसिकली, अगर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर बात करें, मनी मैनेजमेंट इक्वल स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपके पास जो पैसा है उसको आप ठीक से मैनेज करोगे, आपकी रिस्क को समझोगे और उस रिस्क के हिसाब से करोगे तो आपको शॉक्स नहीं आएंगे। तो जैसे आपने प्रज्ञा अपराध की बात की, तो अपनी लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को समझिए, एंड हर व्यक्ति के लिए वो अलग हो सकती है। तो अगर आपकी लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के बाहर कुछ जाके करोगे और एक बड़ा लॉस करोगे, तो ना कि आपका फाइनेंशियल कैपिटल जाएगा लेकिन आपका इमोशनल कैपिटल भी जाएगा, और इमोशनल कैपिटल से उभरना और भी मुश्किल हो जाता। सही बात, सही बात। बहनों भाइयों, संभल जाएं, संभल जाएं। ये दो दिग्गज फाइनेंस के और हेल्थ के आपको आगाह कर रहे हैं। और एक अच्छा सा एक शेर है दोस्तों, कि ठोकर लगने पर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना राह के पत्थरों ने तो अपना काम कर दिया था। दोस्तों, ये एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट्स के बिना जिंदगी अधूरी है दोस्तों, बिना एक्सपर्ट्स नहीं होता जीवन साकार। सर पर होता जब एक्सपर्ट्स का हाथ, तभी बनता है जीवन का सही आकार। एक्सपर्ट ही हैं ब्लिसफुल जिंदगी का सही आधार, डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी और अवधूत साठे। या अवधूत सर, एक अगला सवाल लेंगे और दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन। आपके पास, पहले आपके पास आता हूं, फिर हम जाएंगे प्रमोद सर के पास। के ना, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी जिंदगी तो बहुत बढ़िया चल रही है तो मुझे इसकी क्या जरूरत है, हेल्थ के मामले में भी और वेल्थ के मामले में भी। भाई मेरा तो मस्त चल रहा है तो मुझे क्या जरूरत है, तो इस पर आप रोशनी डालें प्लीज। देखिए, वेल्थ बिल्डिंग, जैसे मैंने लास्ट टाइम ही कहा था कि आपको खुद को एक सवाल करना है कि एम आई ए कैरेक्टर दैट डिजर्व्स अ गुड वेल्थ एंड दैट डिजर्व्स फाइनेंशियल वेल्थ। सो स्किल बिल्डिंग, ये खुद को आत्मनिर्भर करना इतना इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया। मैंने देखा कि कोविड होने के बाद लोग मार्केट की ओर आए, क्यों, अरे भैया अभी घर पे हूँ तो कैसे करूँ, आई हैव टू डू समथिंग टू जनरेट पैसिव इनकम, मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या करूँगा, तो ये बाद में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक व्हेन यू आर डूइंग गुड, बहुत ही अच्छा चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, तब ये स्किल डेवलप कर लो। ये लाइफ स्किल है, और ये ऐसा स्किल है जो आप कहीं भी जाके, आपके पास एक लैपटॉप हो, एक इंटरनेट का कनेक्शन हो, और आपको खुद तो कुछ करना नहीं है, इट्स फुल टाइम ट्रेडिंग है, फुल टाइम, इट्स नॉट लाइक यू नो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर फॉर द होल टाइम होल डे, बट इट इज अबाउट यू नो लेटिंग मार्केट वर्क फॉर यू, लेटिंग मनी वर्क फॉर यू। तो ये अगर हम स्किल डेवलप करेंगे तो महीने का 5-10% ROI, महीने का 5-10% ROI कमाने की आपकी क्षमता हो सकती है। और मैंने इसलिए कहा, जैसे ऋषि जी एक पॉइंट रह गया, जो लोग ऑलरेडी लॉसेस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था 95% पीपल लूज मनी इन द मार्केट्स, उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि यू स्टॉप डिगिंग योर होल,
स्टॉप ट्रेडिंग बिकॉज यू डोंट नो व्हाई यू आर लूजिंग मनी. यही पता नहीं होता कि मेरे लॉसेस क्यों हो रहे, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है. कुछ लोगों का ना सर ये दिमाग में बैठ गया है कि स्टॉक मार्केट मेरे लिए नहीं है, मैं जब भी ट्रेड करता हूँ, जब भी इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा नुकसान ही होता है. उनके लिए आप क्या कहेंगे? आई थिंक अपने आप को एजुकेट कीजिए. यू नो यू मस्ट एजुकेट यूर सेल्फ एंड फाइंड आउट कि ये किसकी वजह से हो रहा है, इसके पीछे राज क्या है, क्यों हो रहा है. शायद आप मार्केट को समझ ही नहीं रहे हो. मार्केट एक देवता है हमारे लिए, तो गॉड है, भगवान है. तो और वो उसके भक्त बन जाओ और उसको सरेंडर करो. लोग मार्केट से फाइट करते हैं, सरेंडर नहीं करते. नहीं, मैंने ये स्टॉक लिया था लेकिन वो गिर रहा है, लेकिन मैं और लूंगा, और खरीदूंगा. जैसे यस बैंक के केस है, कितने सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं. स्टॉक नीचे आ रहा है तो और खरीद रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनका ईगो हर्ट होता है. ईगो कैसे हर्ट होता है? अरे मैं गलत कैसे गया, मेरे तो लॉसेस नहीं होने चाहिए. एंड स्पेशली दोज हु आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर करियर्स, दे हैव दिस बिगर इशू. ओके, सो एजुकेट यूर सेल्फ, गेट प्रॉपर ट्रेनिंग एंड यू नो बी आत्मनिर्भर. दिस इज द लाइफ स्किल. एंड मेरे 27 साल के अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, इतने सारे मॉनिटर्स, को मॉनिटर्स एंड 550 लोगों की एक सेना है जो सपोर्ट करने को तैयार है. तो ना हम एडवाइजरी देते हैं, ना सॉफ्टवेयर बेचते हैं, ना कुछ ऐसा काम करते, बस एजुकेशन देते हैं. तो अपने आप को एजुकेट कीजिए और फिर अंदर आ जाइए. और क्या करना चाहिए? 1000 दिन देने की तैयारी रखनी चाहिए अपने आप को. अपने आप को चैंपियन बनाने के लिए 1000 दिन देने की तैयारी रखनी चाहिए. बाद में देखना आप 100 गुना करोगे, जो आपने अभी तक लाइफ में किया उससे भी 100 गुना ज्यादा करो. सुपर अब्दुल सर, सुपर. इस गणतंत्र दिवस पर क्या बढ़िया ज्ञान मिला है, राजमार्ग दिखाया आपने. डॉक्टर साहब, अब आपकी आपकी बारी है एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. हाँ, तो जरूरत क्या है वो प्रश्न था आपका. तो हमारे पास कैसा होता ना, पेशेंट्स रहते हैं, बोलते हैं गोली खा रहे हैं ना, एक ही तो गोली है, तो अच्छा चल रहा है ना, कहाँ इतना डाइट चेंज करो, एक्सरसाइज करो, उससे अच्छा मस्त खाओ, गुलाब जामुन खा लो, एक गोली और खा लो ना, और आइसक्रीम खा लो, एक इंजेक्शन थोड़े 2 यूनिट ज्यादा ले लो. क्या पड़ा है ये रिवर्सल में, डायबिटीज रिवर्सल में, गोली के मुक्ति में. तो जैसे आप कहते हैं मार्केट भगवान है और हम उसके भक्त होने चाहिए, वैसे ही हम कहते हैं कि अपना शरीर भी तो भगवान ही है, भगवान का रूप ही है, और भगवान ने ही बनाया हुआ है, उसके भक्त बन जाओ एक तरह से, और उसके अंदर क्या क्या घुस रहे हो देखो. हर एक गोली का साइड इफेक्ट है, हर एक गोली का साइड इफेक्ट है. आपको क्या बोलता है, इंसुलिन का साइड इफेक्ट नहीं है. अरे इंसुलिन का तो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, वो आपको और मोटा करके और कोलेस्ट्रॉल और बीपी और हार्ट पे प्रेशर ले आएगा. इसलिए अगर आपको डायबिटीज या कोई भी बीमारी हुई नहीं है तो फिर गलतियां करो मत, प्रज्ञा प्राप्त करो मत. अगर हो गई है तो इस बहम में मत रहो कि अरे अच्छी चल रही है गाड़ी, थोड़ी सी तो गोली है, बीपी की गोली चालू है, सब ठीक हो जाएगा. जब तक जरूरत है गोली लेनी है, ऐसा नहीं कि गोली छोड़ देना है. प्लीज ऐसे जोश में आके होश नहीं खोना है, लेकिन पहले एजुकेट तो करो कि वो बनी किस मिट्टी से, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, फास्टिंग इंसुलिन का लेवल क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह. बहुत है सीखने लायक. तो एजुकेशन यहाँ पर भी लागू है, मार्केट में भी लागू है, भगवान यहीं पर अंदर है वहां पर भी लागू है. ओके, गलतियां वहां पर भी होती है, यहाँ पर भी होती है. सेहत को और अपनी वेल्थ को अच्छे से समझो, और सही में एजुकेशन यहाँ पर भी बहुत बड़ा की है. और भ्रम में मत रहो कि गोली और इंसुलिन हमें ठीक कर देगी, ठीक नहीं कर रही, बस मैनेज कर रही है. 10 साल के बाद कॉम्प्लिकेशंस, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, और बाद में पैरों की जलन और आंखों में प्रॉब्लम और किडनी में, उधर जाना नहीं हमें भाई, हमको पहले ही रोक लेना है. इसलिए रिवर्सल करना है, फ्रीडम लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कोई उसको उपाय नहीं है. There's no option for that. There's no option. और ये सब करने के बाद जिंदगी को सही मायने में खुशियों से जीना है. बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है. अवधूत सर, ये बताएं कि ये आज जो हमने टॉपिक लिया है वो लाखों लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा कि हेल्थ की दृष्टि से क्या नहीं करना है और वेल्थ की दृष्टि से क्या नहीं करना है. क्या अगला एपिसोड भी इसी टॉपिक पे रहेगा? देखिए, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. एब्सोल्युटली. सो मैंने जैसे कहा कि हमें एक लॉन्ग टर्म पाथ होना चाहिए टू डिफाइन एंड
यू नो आवर ओन ग्लोरी एंड आई बिलीव यू नो एवरी इंडियन हैज अ राइट टू एक्सपीरियंस ग्लोरी. तो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म बात होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए खुद के लिए. वेल्थ बिल्डिंग का रोड मैप हो, हेल्थ बिल्डिंग का रोड मैप हो, यू नो, और एक मस्त सुखद जिंदगी हो, ऑलवेज हैप्पी, एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ. तो हम शायद नेक्स्ट एपिसोड में इसकी बात करें कि क्या रोड मैप होना चाहिए और क्या करना चाहिए. आज हमने बात की कि क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. प्रमोद जी, आपको क्या लगता है? हाँ हाँ, नया नया लोगों को कुछ ना कुछ नया मिलता रहे, ज्ञान मिलता रहे. मनुष्य की बेसिक भूख होती है, सीखते रहना है, आगे बढ़ना है, खुद को इम्प्रूव करना है. तो बिल्कुल नया टॉपिक रहेगा. अगली बार आप सब लोग आइएगा और देखिएगा क्या आपको बताते हैं ऋषिकेश जी के खास स्टाइल में. डॉक्टर साहब, अवधूत सर, पता है हमारे लाखों श्रोता आप दोनों को देखकर क्या कह रहे हैं? क्या? जो नहीं मिला था अब तक सारी जिंदगी को गंवा कर, वो सब कुछ हमने पा लिया आप दोनों को पाकर. आए हाय, आए हाय, आए हाय. और हमने भी सब पा लिया आपको पाकर ऋषि जी, और सारी दुनिया को पाकर. थैंक यू. एक ऑन दिस ऑन अ ब्यूटीफुल नोट आई वुड लाइक टू क्लोज दिस सेशन कि जब भी इन आंखों को आप दोनों का दीदार हो जाता है डॉक्टर साहब अवधूत सर, दिन कोई भी हो त्योहार हो जाता है. क्या बात है, आज भी त्योहार है. वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे. आज का बढ़िया त्योहार है, पूरे देश का त्योहार है. खूब खुशियां मनाए, एंजॉय करें. Thank you so much, Dr. Saab. Thank you, Avdhoot sir. Bye-bye. Thank you. All the best to all.